मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, जहां राज्य सरकार की तरफ से फिर से रुस्तम जी पुरस्कार की शुरुआत होने जा रही है। वहीं इस बात की पुष्टि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की है। गृह मंत्री ने बताया कि इस अवार्ड को 2 वर्ष पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत फिर से की जा रही है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस बार ये अवार्ड नक्सल विरोधी, आतंकवादी विरोधी, सांप्रदायिक दंगा और कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 61 पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। साथ ही कहा कि 50,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक की राशि वाले इस पुरस्कार को 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। रुस्तम जी पुरस्कार चालू कर दिए जाने का तय किया है। इसमें 61 पुलिसकर्मी अभी हमारे हैं और उन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया है। 5,00,000 रुपए के पुरस्कार से लेके 50,000 रुपए के तक के पुरस्कार 3 श्रेणियों में, परम विशिष्ट श्रेणी, अति विशिष्ट श्रेणी और विशिष्ट श्रेणी और प्रमाण पत्र, ये अब पुनः प्रारंभ किया जा रहा है।